कोई बात नहीं। बोलो जी, न्यूटन में कितना वोल्टेज होता है? एक फेस में कितना वोल्टेज होता है? एक फेस में 220, दो फेस में कितना वोल्टेज होता है? उसमें भी 220 बताया। थ्री फेस में कितना वोल्टेज होता है? ये बताओ, एक आदमी 10 रुपये कमा कर देता है, अब दो आदमी 10-10 रुपये कमा कर देता है, तो कितना होगा? तुम बोलो 1 में 220, तो 2 में भी 220, 3 में भी 220, ऐसा कैसे होता है? काम करते हो वो बिजली कितने वोल्ट से, उसमें कितना वोल्ट रहता है? एक घर में आपको बिजली का तार डालना है, उस तार में कितना वोल्टेज आएगा घर के अंदर लाइट जलाने के लिए? दोनों क्या न्यूट्रल फेस 220, हाँ फेस टू फेस 220। 8 साल निकाल आपने थ्री फेस का काम किया है? थ्री फेस का नहीं समझ पाए, 304 के बल्ब कोई भाई इसके लिए हो। हां और कौन कौन है? हां भाई निकल नहीं है, अर्थिंग नहीं है, बल्ब जला लोगे? नहीं जलेगा ना, कैसे जलेगा? अर्थिंग हो चाहे ना हो, न्यूट्रल चाहिए सर। हां न्यूटन नहीं है, अर्थिंग नहीं है, मतलब चलेगा? न्यूटन नहीं है, अर्थिंग नहीं है, मतलब चलेगा? बटन दबाओ, बटन दबाओ, उधर उधर चलो करो। ये किनारे काटो, बीच से मत काटो।